हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेबी क्रॉप टॉप बनाना। तो ये हमारा नेट का कपड़ा है, ये मैंने आधा मीटर लिया है। तो देखिए, ये मेरा जो नेट का कपड़ा वो आधा मीटर है। इस तरह से इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। और ये हमारा अस्तर है, इसे मैंने इस तरह से फोर फोल्डर में रख लिया है। और सबसे पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर हमें लेना है 10 इंच। तो इस तरह हमें 10 इंच पर मार्क कर लेना है। तो हमने 10 इंच पर मार्क कर लिया। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ और नीचे से 7.5 इंच। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसकी बाकी की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हम शोल्डर ले रहे हैं वो हम 4.5 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह शोल्डर हमने 4.5 इंच ले लिया है। और इसका जो आर्म होल है वो 4 इंच, आर्म होल हमने 4 इंच लिया है। और जो हमारा चेस्ट है वो 8 इंच है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। यहाँ पर आर्म होल पे हमें शेप दे देना है राउंड शेप। जब हमने राउंड शेप दे दिया है, अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पर मेरा 7 इंच पे है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, चेस्ट और वेस्ट को। गले की चौड़ाई देख लेते हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। गला भी हमें कट नहीं करना है, बस यहाँ पर मार्क करके छोड़ देना है। छोटा सा कट लगा के हमने छोड़ दिया है। और आर्म होल को हमें कट कर लेना है। तो हमने आर्म होल कट कर लिया है और साइड से भी हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे ओपन कर लिया है। अब जो हमने नेक की मार्किंग की हुई थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैं चाक से इसे डार्क कर लेती हूँ। और आप अपना जो गला है वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 3.5 इंच। आप इसे कम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप 3 इंच रख सकते हैं। अब इसे हमें गले की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम तिरछे में इसे मार्क करते हुए जाएंगे और शोल्डर पे मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे शोल्डर पे मिला लिया है इस तरह से। तो ये हमारी गले की मार्किंग हो गई है। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो हमने नेक भी कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक पे रख के इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए, जो हमारा जो नेट का कपड़ा है उसे हमें इस तरह से फोर फोल्ड में कर लेना है। और जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसके ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसके ऊपर हमें अस्तर का कपड़ा रखना है और गले पे, आर्म होल पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल शोल्डर पे आना चाहिए। मतलब मेरे कपड़े में तो डिज़ाइन है, इसलिए मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ये शोल्डर पे आए। तो यहाँ पर जो मोती लगा हुआ है उसे मैंने हटा दिया है। अब नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमें नेक पे पूरे सिलाई लगा लेना है। नेक से लेके पूरा आर्म होल तक हमें सिलाई लगाना है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो नेक पे सिलाई लग चुकी है। अभी हम आर्म होल पे लगाएंगे सिलाई। तो इस तरह से हमने आर्म होल पे भी सिलाई लगा लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। अभी इसे हमें पलट लेना है। तो हमने पलट लिया है और चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के हमें फिक्स कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से आपको चारों तरफ इसे सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाए कि कोई सलवटें ना रहे कपड़े पे। तो इस तरह हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है यहाँ पर। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। सेकेंड पार्ट भी आपको इसी तरह रेडी कर लेना है। तो देखिए, हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया है। बस यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारा शोल्डर है वो दोनों का एक ही साइड है। तो जब सिलाई करें तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नेक पे हमें लेस लगा लेना है यहाँ पर।
तो इस तरह हमने गले पे लेस लगा लिया और इस पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे कपड़े के नेक पे भी हमें लेस को लगा लेना है यहाँ पर। यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारे दोनों नेक पे लेस अटैच हो गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जिस तरह से मैं नेक को रखी हूँ। अभी यहाँ पर हमें मेज़र कर लेना है शोल्डर के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है 4.5 इंच। अभी हमें जो नेट का बचा हुआ कपड़ा था उसे ले लेना है और इसे हमें फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सिर्फ डबल में है कपड़ा, हमने डबल में इसे फोल्ड कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 इंच। 4.5 इंच था, हमने यहाँ पर 5 इंच लेना है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो इस तरह मार्क करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी कटिंग हो गई। 20 से ये ज्वाइंट है, इसे भी हम कट कर लेंगे क्योंकि हमें शोल्डर पे ज़्यादा बाउंसी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे चुन्नट बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें इस पे चुन्नट बना लेना है। ये दोनों शोल्डर हमारे रेडी हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक धागा पकड़ के उसको खींच लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो इस तरह से हम इसे खींच लेंगे और एक बार फिर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जितना हमारा शोल्डर है इसकी चौड़ाई उतनी ही रखनी है आपको। दूसरे पार्ट को भी सेम आपको इसी तरह रेडी करना है। धागा को खींचते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह हमारे दोनों साइड का जो स्लीव्स कह लीजिए वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए क्या करना है, जो हमारा ये जो शोल्डर है वहाँ पर हम इसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो कपड़ा यहाँ पर हमारा सीधा है और बस हमें इस पर सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब दूसरे पल्ले को भी आपको सेम इसी तरह अटैच करना है। ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि कपड़ा बाहर की तरफ दिखे ना। तो देखिए एक शोल्डर पे हमारा अटैच हो गया है। दूसरा शोल्डर भी सेम आपको इसी तरह अटैच करना है। तो इस तरह हमारा दोनों शोल्डर अटैच हो गया है यहाँ पर। अब इसे हमें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। देखिए जो हमारा आर्म होल है उसको आप बिल्कुल बराबर से रखिए और चौक से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आर्म होल को बिल्कुल सेट रख लेना है और चौक से मार्क कर लेना है। और उसी मार्क पे आपको ये जो हमने चुन्नट लगाया है बनाया है, एक साइड हमने अटैच किया, दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह अटैच कर लेना है। तो एक साइड हमारा अटैच हो गया है, दूसरी तरफ भी सेम हम इसी प्रोसेस से अटैच करेंगे। तो दूसरी साइड भी हमने अटैच कर लिया है। तो देखिए इसका जो लुक है कुछ इस तरह से बन के आया है। अब यहाँ पर हम अपना जो कमर है वो नाप लेते हैं और नीचे से हमें फोल्ड कर लेना है। तो हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर भी हम लेस लगाएंगे। आप कमर मेज़र कर सकते हैं कि आपका कमर कितना है और वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए और वहीं तक ही आपको लेस लगा लेना है। तो देखिए मैंने मेज़र कर लिया था मेरा जो कमर है और वहाँ पर मैंने लेस लगा लिया है। अब इसके बाद हमें साइड की फिटिंग देनी है। तो इस तरह चौक से हम मार्क कर लेंगे। जो भी आपका चेस्ट और वेस्ट है तो आप उसे मार्क कर लीजिए और वहाँ पर आपको सिंपल सिलाई लगा लेना है। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसे फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगाएंगे ताकि कोई रुए बाहर ना आए। दूसरी तरफ भी सेम आपको इसी तरह से जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेना है। तो देखिए इस तरह हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लिया है और ये जो हमारा क्रॉप टॉप है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।